हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे कि हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे। हाउ डू यू फाइंड नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। डेट मीन्स क्या कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैसे फाइंड करेंगे। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डैट मीन्स क्या बोला गया कि इस मेथड में हम जो एक्सपेंडिचर करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि प्रोड्यूस किए होंगे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, हम उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। डैट मीन्स क्या कि जो आपने प्रोडक्शन किया है एक साल के अंदर, उन सारों को जो भी आपने खर्च किया है अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे, सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करने का काम करेंगे। हम मेजर करेंगे कि कितना मैंने खर्च किया है उस पर। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, तो जब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास जीडीपी एमपी में आंसर आएगा। करेंगे नेक्स्ट बातें इस पर हम लोग जीडीपी एमपी के बारे में। क्या बोला, टू ऑब्टेन नेशनल इनकम डैट इज NNPFC, we would add net factor income from abroad, that is NFIM, to GDPMP and subtract net direct tax and depreciation. That means इन्होंने क्या बोला कि आपको नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए जब एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हमें जीडीपी एमपी मिलता है। क्या मिलता है अपने को, जीडीपी एमपी। और हमें जीडीपी एमपी जब मिल जाएगा, जब हमें जीडीपी एमपी मिल जाएगा और मुझे NNPFC पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, जी से एन, ग्रॉस से नेट, सर क्या करते हो, बड़े से छोटा लेस, क्या लेस करेंगे सर, डेप्रिसिएशन। क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन। तो फिर क्या बोला यहाँ पे, डी से एन, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। सर डोमेस्टिक बड़ा कि नेशनल बड़ा, सर नेशनल बड़ा। तो छोटे से बड़े क्या कर लोगे अपना, प्लस, क्या प्लस करोगे, NFIA, क्या प्लस करोगे, NFIA। पी का पी, यहाँ पे क्या था अपना एमपी, एमपी से एफसी, सर प्राइस बढ़ा कि कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा कि कॉस्ट बढ़ा, सर प्राइस बढ़ा। तो बड़े से छोटे क्या करते हो, लेस, किसको करते हैं लेस हम लोग, NIT को, किसको लेस करोगे, NIT को। यही बात इसने यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट, अब देखो ना एक्सपेंडिचर जो है वो हम कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला, एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, डेट मीन्स क्या, आप जो है ना फाइनल एंड गुड्स पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्च करते हो ना, डेट इज नोन एज द फाइनल एक्सपेंडिचर। किस पे करोगे अपने, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे अपना, फाइनल एक्सपेंडिचर। अब देखो, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई एक अकाउंटिंग ईयर की तो बात करेंगे ही ना करेंगे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डेट मीन्स क्या कि जो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर। आइए नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। अब देखिए कुछ क्या हो सकता है भाई, इसके टाइप्स किए गए, क्या हो सकता है जो खर्च करेंगे, हो सकता है कि आप प्राइवेट कोई पर्संस होगा जो क्या कर सकता है, खर्च करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। कुछ तक क्या भाई, गवर्नमेंट खर्च करेंगे। कुछ क्या हो सकता है भाई, जो कैपिटल हमारे बिजनेसमैन है वो कहीं पे खर्च करेंगे। डैट मीन्स क्या कि सारे लोग क्या कर सकते हैं भाई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके हेड में कौन कौन से आइटम्स जाएंगे। तो फर्स्ट क्या बोला, एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डैट मीन्स क्या, हम यहाँ किसकी बात करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट
private institutions which are serving society are termed as private final consumption expenditure. That means क्या क्या बोला कि जो खर्च कौन करेगा individual, कौन करेगा अपने पास household, और किसका ने बोल दिया भाई non profit private institution. That means क्या वो private institution जो किसके लिए काम कर रही हो non profit, that means क्या profit के लिए काम नहीं कर रही हो, जो क्या कर भाई अपने society को serve कर रहा है वो क्या कहलाएंगे अपने final consumption expenditure तो कहलाएंगे, but कैसा private. याद रखना यहाँ problem create होता है हम लोग को कि जो पैसा individual भी करे, individuals करे, household करे खर्च, या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करें, बट सब खर्च किस पे होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे होने चाहिए. किस पे? फाइनल G&S पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे होने चाहिए. आइए नेक्स्ट बात करेंगे. प्राइवेट देख लिए, अब क्या बोलता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी क्या करती है हमारे ऊपर खर्च करती है ना. डेट मीन्स क्या बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो क्या बोला कि द एक्सपेंडिचर, तो इसने क्या बोला कि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है किसके लिए भाई सोसाइटी के लिए, हम उसे क्या बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब मान लो गवर्नमेंट जो है ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा, डेट मीन्स क्या था उसका वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था. अब क्या बोला कि द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज by the government and government organization are termed as government final expenditure. That means क्या या तो government करे या फिर government organization करे, उसे हम क्या treat करेंगे government final consumption expenditure. Next क्या बोला estimation of investment expenditure. अब देखो investment की बात हम जब करेंगे तो सर किस goods पे आप investment करते हो, डेट इज क्या भाई आप क्या बोलोगे कैपिटल गुड्स पे. किस पे करेंगे हम लोग कैपिटल गुड्स पे करेंगे. और ये खर्च करेगा कौन, तो क्या बोलो तुम सर फॉर्म्स करेंगे या फिर प्रोड्यूसर करेंगे. तो जब खर्च फाइनल गुड्स, जब खर्च जो है कैपिटल गुड्स पे की जाती है किसके द्वारा की जाएगी फॉर्म्स या प्रोड्यूसर के द्वारा, हम उसे क्या बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्या बोलोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब देखो तो क्या बोला गया कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स आर टर्म एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जो आप खर्च फर्म्स कैपिटल गुड्स पे करता है हम उसे क्या बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे. नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. सर नेट प्रॉफिट मीन्स क्या X माइनस M, डेट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. याद करना हमेशा कि जब भी बात करें नेट की इसका मतलब क्या कि सर कुछ आया होगा और कुछ गया होगा, कुछ आया होगा और कुछ गया होगा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सर नेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं नेट बोलते हैं. देखो नेट एक्सपोर्ट का नेट, डेट मीन्स क्या कि सर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो क्या बोलो सर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. क्या बोलोगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्या कहलाएगा अपना नेट एक्सपोर्ट. क्या कहलाएगा अपना नेट एक्सपोर्ट. आइए पढ़ लेते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये जरूर याद करना एन अकाउंटिंग ईयर. द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स अस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. जब इन सबको हम ऐड कर लेंगे अपने पास क्या मिल जाएगा GDP MP, that is gross domestic product at market price. देखो पहले आपने क्या ऐड करोगे सर क्या बोलोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्या करोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर क्या अपना निकाल लेंगे हम लोग
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर किसकी बातें आएगी, नेट एक्सपोर्ट की, किसकी बातें आएगी, नेट एक्सपोर्ट की। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलेगा। एक बातें हम यहाँ पे करेंगे, देखो सर क्या बोला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, क्या बोला कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप समझेंगे कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो आओ देखो सर क्या बोला इसने कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आइए समझते हैं कि एग्जांपल से इस बात को कि सर चेंज इन स्टॉक कितना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास, आप जब मॉर्निंग में घर से निकल रहे थे तो आपके पास 100 रुपये थे, आपके पैकेट कितने थे, 100 रुपये थे, और जब आप नाइट में उधर से आ रहे थे घर की ओर तो आपके पैकेट में 500 रुपये थे, कितने रुपए थे, 500 रुपये। तो बताओ आपके पैकेट में जो मनी था वो कितने से चेंज हुआ, तो आप क्या बोलोगे सर 400 से। डैट मीन्स आपने क्या किया कि जो रात में था माइनस जो मॉर्निंग में था, क्या निकल गया सर कि दिन भर में कितना मेरे पास पैसा आया या फिर गया जो भी हो, डैट मीन्स कितना बचा है बस, कितना ऐड हुआ उसमें, कितना चेंज हुआ, तो क्या बोलोगे 400। और स्टॉक में क्या बोलते हैं भाई कि जितना आज था और जितना भाई मान लो आज मॉर्निंग में इतना था, 1 जनवरी को 2000 रुपये था और 31 दिसंबर 2020 को या फिर 2019 को आपके पास 5000 रुपये थे, डैट मीन्स क्या हुआ आपका स्टॉक कितने से चेंज किया, तो 3000 से। ठीक है, डैट मीन्स क्या बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये दिया होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ये ना दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस में कोई और बातें दी होगी, या तो ये देगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स कैपिटल देगा, याद करना है, कन्फ्यूजन होती है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो आप उसमें हमेशा चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे, किसको, चेंज इन स्टॉक। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना, हम लोग स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं ना, स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री, इसलिए इसको हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद है क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा या फिर आपके पास इन्वेंट्री दिया होगा, सारे किसके पार्ट्स हैं, हमारे पास स्टॉक के ही नाम है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मान लो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी ना दिया होगा तो हम क्या कर लेंगे सर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंटियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। डैट मीन्स क्या, जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक करेगी, जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस के थ्रू, फिर तुम क्या बोलोगे भाई कि जो ग्रॉस रेसिडेंटियल जो है ना, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे वो भी क्या होगा सर, इंक्लूड होगा, क्या होगा अपना, इंक्लूड होगा। एक बात और जानेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया रहे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सर हम क्या करेंगे, अगर मेरे क्वेश्चंस में ये दिया रहे और मुझे जाना कहाँ पे अपने पास, ग्रॉस डोमेस्टिक
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे, कैपिटल फॉर्मेशन पे। अब देखना जरा क्वेश्चंस में कि आपके क्वेश्चंस में डोमेस्टिक है सर, यहाँ भी डोमेस्टिक है, कैपिटल है यहाँ भी कैपिटल है, फॉर्मेशन है यहाँ ही फॉर्मेशन है, भाई क्या चेंज है क्या नहीं है? तो सर यहाँ पे नेट है और यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। तुम्हें कहाँ जाना है सर? नेट से ग्रॉस। नेट छोटा कि बड़ा? सर छोटा। छोटे से बड़े जाने के लिए क्या करते थे सर? प्लस करते थे। और नेट और ग्रॉस में किसकी बातें हुई थी? डेप्रिसिएशन की। तो अब क्या बोलोगे सर? हम ऐड कर लेंगे किसको? डेप्रिसिएशन को। किसको ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन को। आइए नेक्स्ट। अब क्या बोलता है? कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिससे हम लोग फॉलो करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट प्रिकॉशन बोलता है कि ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। डैट मीन्स क्या बोलता है कि डबल काउंटिंग के एरर को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए फाइनल एक्सपेंडिचर को ही केवल टेक करेंगे और किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग टेक नहीं करेंगे। डैट मीन्स क्या, अगर इंटरमीडिएटरी कोई इंटरमीडिएट गुड्स होंगे हम उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे। किसको ट्रीट करेंगे? केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट टू ऑलरेडी बीन अकाउंटिंग फॉर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्रोडक्शन। डैट मीन्स क्या बोलता है कि सेकेंड गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक बाइक थी, जब वो बाइक बनी होगी तो क्या उसकी फाइनल गुड्स जब आपने खरीदा होगा तो एक्सपेंडिचर उसमें ऐड हुआ होगा ना? अगर आप उसको दोबारा बेचोगे डैट मीन्स क्या सर हो गया, वो सेकेंड हैंड बेच रहे हो, तो क्या उससे जो आपको इनकम मिलेगी, जो उस पर खर्च हुआ होगा किसी और के थ्रू, क्या वो ऐड हुआ क्या? नहीं सर, वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी की वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी सर? दो बार काउंट हो जाएगा। इसलिए सेकेंड हैंड कोई भी गाड़ी का या फिर कोई भी वस्तु गुड्स को आप सेल आउट करते हो, उस पर एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसकी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डबल अकाउंट में डबल काउंटिंग उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दे वर पेपर क्लेम एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके शेयर्स पे या बॉन्ड्स पे जो आपने एक्सपेंडिचर करते हो वो भी सर क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है सर। क्यों? क्योंकि सर क्या है, वो पेपर क्लेम है, उसका हमारे फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। जो भी आप ट्रांसफर पेमेंट करता है गवर्नमेंट के थ्रू वो भी सर क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट, इंप्यूटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जो गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशंस के लिए भी प्रोड्यूस करते हो उस पर जो खर्च होता है ना वो भी सर क्या होती है, इंक्लूड होती है। क्या होती है? इंक्लूड होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, आओ समझ लेते जल्दी से। सर क्या क्या बातें हमने सीखी? पहली बात है कि सर पहला पॉइंट क्या जाएगा, तो क्या बोलोगे सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या जाएगा सर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई नेक्स्ट फिर क्या जाएगा सर? फिर प्लस करेंगे हम लोग किसको? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किसको प्लस करोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर क्या करोगे सर? नेट एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे। किसको? नेट एक्सपोर्ट को। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलेंगे सर? पहली बात है क्या दिया रहेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या कर लोगे? प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या कर लोगे? प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट, अगर वो ना दिया हो सर तब तो क्या कर लें सब लोग कि नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया रहेगा और मुझे जाना कहाँ होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। दिया क्या रहेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जाना कहाँ रहेगा? ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर हम क्या करेंगे कि उसमें से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। तो हम कहाँ चले जाएंगे सर अपने पास, हम चले जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चंस, क्या देखेंगे सर, एक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। क्या फाइंड करना है सर मुझे, नेशनल इनकम फाइंड करना है किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आता है सर, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसमें सर क्या प्लस करते थे हम लोग, याद है ना, हाँ सर, प्लस ग्रॉस क्या बोलोगे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या प्लस करेंगे सर, प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्या प्लस करोगे, नेट एक्सपोर्ट। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया, देखना क्या दिया आपसे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया सर, 750। कितना दिया, 750 प्लस सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना दिया, 150। फिर क्या दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया आपसे सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा। सर हम क्या करते थे, फिक्स दिया ना, तो हम क्या करेंगे सर इसमें, चेंज इन स्टॉक। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे क्या कर लो हम लोग, कितना दिया तुमसे, 220। कितना दिया सर आपसे, 220 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया सर, -20। क्या कर लो सर, -20 माइनस कर रखो ब्रैकेट में, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है सर, नेट इंपोर्ट, डेट मीन्स क्या, एक्सपोर्ट नहीं दिया ना, तो हम क्या करते सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अपना एक्सपोर्ट क्या है सर, 0 है, और माइनस इंपोर्ट कितना है, 50। तो सर इसका हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, माइनस 50 करेंगे। तो देखो कितना आ रहा सर, 750 प्लस 150 900 प्लस 220, तो अपना क्या है सर, 1120 माइनस 70 इज इक्वल टू सर कितना आ जाएगा, 1050। कितना आएगा, 1050। दैट योर आंसर। पहला काम सर क्या किया हम लोगों ने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन निकाला, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दिया, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में, दिया क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं सर, अपने चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। तो कितना है आपके पास सर, 900 1120 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 1050। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।